का दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के समय में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है वो आना स्टार्ट हो चुका है। जिन छात्रों के फॉर्म यहां पर वेरीफाइड हो चुके हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वेरीफाइड हो गए हैं जो छात्रों के फॉर्म, जिन जिन छात्रों के फॉर्म वेरीफाइड है सभी छात्रों का पेमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। लाइव प्रूफ के साथ हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जैसे ही आपका भी फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इस प्रकार से अगर आपका स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपडेट जो यहाँ पर वेरिफिकेशन डेट है वो देखने को मिल रही है, आपका फॉर्म वेरीफाइड है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से, दोस्तों आपका भी पेमेंट आ चुका होगा। कैसे चेक करना है आपको लाइव प्रूफ के साथ हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर कि दोस्तों अगर आपका भी फॉर्म यहां पर वेरीफाइड है, वेरीफाइड दिख रहा है लेकिन यहां पर आपका पेमेंट नहीं दिख रहा है कि आपका पेमेंट कितना आया हुआ है, तो हम यहां पर आपको दिखाने वाले हैं कितना पेमेंट आपका आया है। तो सब कुछ यहां पर चेक करने का तरीका, कैसे चेक करना है, कहां से चेक करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हालांकि यहां पर पहले भी लगा था कि आपका 15 मार्च से पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन यहां पर आपका प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, पेमेंट की जो है रिलीज हो चुका है। 14 मार्च आज की डेट है तो आज से ही पेमेंट आप सभी का देख सकते हैं। अभी सभी का लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको भी को चेक करने का तरीका सब कुछ आपको पता चल सके कि आपका पेमेंट आया है तो कितना आया है, सब कुछ आपको यहां पर हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहां पर आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। अपना गूगल क्रोम ब्राउजर चाहे आप मोबाइल में ओपन करिए, चाहे आप सिस्टम में ओपन करिए, उसमें ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है डीबीटी, डीबीटी पेमेंट स्टेटस। जैसे ही आप यहां पर देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा डीबीटी पेमेंट स्टेटस। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो वेबसाइट है वो पीएफएमएस की एक वेबसाइट है, ये देखने को मिलेगी, जिसमें आपको लिखा हुआ है डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। यहां से आप पेमेंट डिटेल चेक कर सकते हैं, चाहे किसी का भी पेमेंट हो, चाहे आपका यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट हो या आपका कई सारे पेमेंट यहां से चेक हो सकते हैं। तो यहां पर आप जो पीएफएमएस की तरफ से आपका पेमेंट डाला जाता है उसमें आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पीएफएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है डीबीटी स्टेटस पेमेंट बेनिफिशियरी स्टेटस पेमेंट डिटेल, यहां से आपको चेक करना होगा। तो जैसे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कैटेगरी का, तो सिंपली यहां पर आपको कैटेगरी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर जो भी पेमेंट आपका डाला जाएगा, जैसे आप यहां पर एनएसपी का पेमेंट चेक करना चाहते हैं या पीएम किसान का, मनरेगा का, बहुत सारे यहां पर देखने को मिलेंगे। आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, जो यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट वो कहां पर देखने को मिलेगा, कैसे आप चेक करेंगे, तो इसको आपको ऊपर स्क्रॉल डाउन करके करना है। यहां पर आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये एक ऑप्शन यहां पर मिलेगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, तो यहां पर आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे इसके बाद यहां पर देखोगे यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक बेनिफिशियरी वैलिडेशन, एक यहां पर पेमेंट। तो आप सभी को यहां पर पेमेंट पे सेलेक्ट करना, क्योंकि डिफॉल्ट ये पेमेंट पे ही सेलेक्ट रहेगा, आपको पेमेंट चेक करना है, इसलिए आपको यहां पर पेमेंट पे ही सेलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहां पर आ रहा है इंटर बेनिफिशियरी कोड, दोस्तों इस इंटर बेनिफिशियरी कोड को खाली आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। तो नीचे यहां पर आपको एक आ रहा है इंटर एप्लीकेशन आईडी, तो इंटर एप्लीकेशन आईडी आपको कौन सी डालना है, जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको इसमें फिलअप करना रहेगा। आपको चाहे आप रिन्यूअल फॉर्म फिलअप किए हो या फिर आप यहां पर फ्रेश फॉर्म फिलअप किए हो, चाहे आपका नाइन्थ का हो या हाई स्कूल का हो या इंटर का हो या बीए बीएससी बीकॉम, कोई भी क्लास का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, कोई भी आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसमें डालना है। देन यहां पर आपको कैप्चा कोड डालना है, नीचे जो बॉक्स में कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड डालने के बाद यहां पर आपको सर्च पे क्लिक करना। तो यहां पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पर कैप्चा कोड दोनों फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। जैसे आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा को डालने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे इस प्रकार से आपका पेज रिफ्रेश होगा, फिर इसके नीचे आपका विंडो ओपन होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल देखने को मिल रही है, इसको हम आपको दिखाने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी, इसी प्रकार से आपको कई सारी आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आप पेमेंट चेक करोगे यूपी स्कॉलरशिप का नहीं, अन्य भी इसमें आप चेक कर सकते हैं कई सारे, जैसे पीएम किसान सब्सिडी का पेमेंट होगा या मनरेगा का होगा, सब कुछ
कुछ आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका बेनिफिशियरी का नाम देखने को मिल जाएगा, बेनिफिशियरी कोड, यहां पर आपको आधार के लास्ट के 4 अंक देखने को मिल जाएंगे। देन यहां पर आपका बैंक नेम खाली रहेगा क्योंकि यहां पर आधार बेस पेमेंट आने वाला है, इसलिए यहां पर आपका बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन रहेगा वो यहां पर आपका खाली रहेगा। इसके बाद यहां पर नीचे देखोगे तो यहां पर आपका अमाउंट देखने को मिल जाएगा, कितना अमाउंट आपका आने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका कितना अमाउंट आने वाला है। यहां पर आपका रिक्वेस्ट डेट देख सकते हैं, 13 मार्च को यहां पर अपडेट किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है। वैलिडेशन डेट यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपका जो अप्रूव डेट है वो देखने को मिल जाएगा, किस दिन यहां पर आपका अप्रूव हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं आज की डेट है 14 मार्च, 14 मार्च को यहां पर इनका फंड अप्रूव किया जा चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, समय भी देख सकते हैं, समय आपको देखने को मिल जाएगा 7:12:58 पे सुबह आज इनका यहां पर अप्रूव किया गया। दूसरी चीज, यहां पर आपका जो स्टेटस है वो यहां पर आपका भी पेंडिंग दिख रहा है, जब तक ये पेंडिंग दिख रहा है तब तक आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं होगा। ये तो आपका यहां पर कल तक ये क्लियर हो जाएगा। और यहां पर आपका पेमेंट जो देख रहा है क्रेडिट डेट, तो यहां पर पेमेंट भी क्रेडिट नहीं हुआ है इन छात्र के अकाउंट में, लेकिन यहां पर इनका जो अमाउंट आने वाला है वो यहां पर 2535 रुपए इनके अकाउंट में आने वाला है। जैसे ही यहां पर आपका ये अप्रूव किया जाएगा जो पेंडिंग दिख रहा है, इसके बाद यहां पर आपका पेमेंट जो बैंक की तरफ से पेंडिंग है ये भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ छात्रों का स्टेटस में देखने को मिलेगा, जो यहां पर डिस्क्रिप्शन एरर है इसमें कुछ मैसेज शो होगा, यहां पर आपका यूआईडी का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई अदर प्रॉब्लम है वो यहां पर आपको शो कर सकते हैं। तो उसे आपको ठीक कराना रहेगा। जल्दी से जाके आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेटस में कोई कमी तो नहीं है। अगर आपका यहां पर सब कुछ सही है तो यहां पर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में कल से परसों तक दो तीन दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर आपकी कल जो 15 तारीख है जिससे बोला गया था कि 15 मार्च से आप सभी के अकाउंट में पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी की प्रक्रिया में यहां सभी का पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से आप अपना सभी छात्र, जिन भी छात्रों के यहां पर डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो चुके हैं जिन छात्रों के फॉर्म, तो उन छात्रों का यहां पर पेमेंट बहुत जल्द इनके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं आपको कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके अलावा अगर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो।